गाइस, मैं स्वाति सुहाने, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कुकिंग कल्चर। आज हम बनाने वाले हैं एकदम रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल लच्छा प्याज, क्योंकि बिना प्याज के तो खाना बिल्कुल ही अधूरा है। लंच हो या डिनर, कभी भी हम रेस्टोरेंट जब जाते हैं तो सबसे पहले हमारी डिमांड रहती है प्याज और पापड़ की। वैसे कई रेस्टोरेंट में तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रहती है, जैसे कि सब्जी वाले से हमें मिलती है धनिया और मिर्ची कॉम्प्लीमेंट्री, सेम वैसे ही हमें प्याज भी कॉम्प्लीमेंट्री में मिलती है और हम इसे उतने ही अधिकार से मांगते भी हैं। वैसे जो ये कच्ची प्याज है, ये बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एंड कई लोगों का कहना है कि इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती है। ये एक ऐसा हेल्दी इंग्रेडिएंट है कि इसे हमें डेली कच्चा खाना चाहिए, बट इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना ले तो ये खाने में और भी मजा देती है। जैसे कई बार हम रेस्टोरेंट या ढाबे में जाते हैं, वहाँ जो छल्लेदार एकदम गोल रिंग वाली प्याज मिलती है उसे तो देखकर ही खाने का मन कर जाता है, बट कई बार घर आने पर जब हम ट्राई करते हैं तो वो उतनी परफेक्टली नहीं बनती है। तो आज हम बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लच्छा प्याज, जिसके लिए हम बनाएंगे एक होममेड बहुत ही टेस्टी मसाला जो हम प्याज में ऐड करेंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। एंड आज हम आपको देंगे कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स भी, जिससे ये प्याज एकदम फ्रेश और क्रंची बनी रहेगी एंड टेस्ट भी एकदम परफेक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लच्छा प्याज बनाने के लिए हम बड़े साइज की एक सी गोल प्याज लेंगे, इसे छीलकर अच्छे से वॉश कर लें, फिर हम इसके लच्छे काटेंगे। लच्छेदार प्याज बनाने के लिए हमें साबुत एक सी गोल रिंग वाली प्याज चाहिए। ये देखिए, पहले हम प्याज का ऊपर का पार्ट अलग कर देंगे और ये देखिए पूरी प्याज हमारी एकदम गोल रिंग वाली है, इसके रिंग एकदम सेंटर तक है एंड सेकंड प्याज जो है वो एक सी गोल रिंग वाली नहीं है, इसलिए हम उसे कट नहीं करेंगे। लच्छा प्याज बनाने के लिए हमें एकदम पूरी अंदर तक जिसमें गोल रिंग होते हैं वो वाली प्याज चाहिए और इसे हमें आधे सेंटीमीटर के गैप से गोल एकदम शेप में कट करना है। प्याज को एकदम केयरफुली कट कीजिए ताकि आपके हाथ में ना लगे और परफेक्टली ये गोल शेप में कट कर निकले। अब हम थंब की हेल्प से इनके रिंग्स निकालेंगे। ये देखिए, थंब को हमें पुश करना है एंड ऐसे गोल गोल रिंग पूरे निकाल लेंगे। ये सारे एक एक करके छल्ले हम निकाल लेंगे एंड जो एकदम सेंटर का पार्ट है उसे हम अलग करते जाएंगे। इसे हम बाद में किसी भी सब्जी में या बारीक चॉप सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, सारे पीसेस के हमें रिंग निकाल कर अलग करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से हमें सारे लच्छे अलग अलग करते जाना है एंड अब हम इन्हें एकदम चिल्ड वाटर में डालेंगे। चिल्ड वाटर में भी थोड़े से आप आइस क्यूब ऐड कर लें। अगर प्याज को हम चिल्ड वाटर में रखते हैं तो ये लॉन्ग टाइम तक क्रंची रहती है एंड प्याज को हमें आधे सेंटीमीटर के गैप से ही काटना है, क्योंकि अगर हम मोटे मोटे पीसेस थोड़े कट करेंगे तो ये लॉन्ग टाइम तक क्रंच रहेंगे और अगर हम एकदम पतले रिंग्स काटेंगे तो ये नमक लगने के बाद एकदम कोलैप्स हो जाएंगे और क्रंचीनेस नहीं रहेगी, इसलिए रिंग्स हमें थोड़े मोटे ही कट करना है। मसाला प्याज का मतलब तभी है जब ये लॉन्ग टाइम तक क्रंची रहे, जल्दी सॉफ्ट ना हो जाए, तभी लच्छेदार प्याज का मजा है। एंड इसकी जो ट्रिमिंग है, लाइक ऊपर या नीचे का पार्ट और जो सेंटर का पार्ट है, उसे हम बाद में सब्जी में यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लच्छा अनियन का मसाला बना लेते हैं, जो कि लच्छा प्याज की जान है। ये बहुत ही सिंपल मसाला है। इसके लिए हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जो दिखने में तो एकदम रेड रहती है बट इसमें तीखापन नहीं होता है। इस चिली पाउडर से हमारी मसालेदार लच्छा प्याज में बहुत सुंदर कलर आएगा। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा भुना पिसा जीरा एंड थोड़ा सा काला नमक। अब लास्ट में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा वाइट सॉल्ट। आप इस मसाले में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं।
मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये एकदम परफेक्टली रेडी है। लच्छा प्याज रेडी है, तो चलिए अब हम इसमें मसाला ऐड कर लेते हैं। मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक चॉप हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है। अगर आप बहुत स्पाइसी नहीं चाहते हैं तो इसे स्किप कर दीजिए। मसालों को अनियन में अच्छे से मिक्स कर लें एंड अब ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी बारीक चॉप धनिया पत्ती भी ऐड कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट लच्छा प्याज बनाने के लिए आप जब भी प्याज परचेस करें तो ये बड़े साइज की हो। और ये देखिए, ये कुछ ऐसे एकदम गोल रिंग वाली प्याज होनी चाहिए। अगर इस तरह की दो मुंह वाली प्याज होगी तो इसके लच्छे परफेक्टली नहीं कटेंगे। एंड बड़ी किसी भी दो मुंह वाली प्याज में भी अगर कुछ रिंग्स निकल सकते हैं तो आप इस तरह से ऊपर के दो तीन रिंग्स निकाल लीजिए और जो सेंटर का पार्ट है उसे आप अलग कर दीजिए। इसे आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, लाइक कोई भी सब्जी बनाने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, बारीक चॉप सैलेड में आप इसे यूज कर सकते हैं। एंड प्याज में मसाला ऐड करने के बाद भी ये लॉन्ग टाइम तक क्रंची रहे, इसके लिए इसे 15 से 20 मिनट एकदम चिल्ड वाटर में रखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।